हाँ जी दोस्तों, Realme की तरफ से 9 सितंबर 2021 को एक बड़ा सा लॉन्च इवेंट होने वाला है, जहां पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च होते हुए दिखेंगे। Realme 8i लॉन्च किया जाएगा, Realme 8s लॉन्च किया जाएगा, Realme Pad भी लॉन्च किया जाएगा। उसी के साथ साथ Realme की तरफ से आपको कुछ ब्लूटूथ स्पीकर्स भी लॉन्च होते हुए दिखने वाले हैं। तो काफी बड़ा सा लॉन्च इवेंट होने वाला है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। लेकिन इन सभी प्रोडक्ट्स में से किसी एक चीज की बात करें जिसके लिए पर्सनली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है Realme 8i। तगड़े स्पेसिफिकेशंस हैं, बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में आने वाला है, एंड सुनने में आ रहा है कि एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के साथ में लॉन्च किया जाएगा। तो इस फोन का मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूं भाई। दो ही फोन्स का मैं वेट कर रहा था, Redmi 10 Prime का, जिसको मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, चैनल पर रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और उसके बाद में Realme 8i। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनके कारण Realme 8i का वेट करना बनता है। कुछ 5-6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अगर ये पॉइंट्स आपके लिए मैटर करते हैं तो फिर Realme 8i का वेट कर लेना जब तक इसका प्राइस पॉइंट नहीं आ जाता है। अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पर आता है तो ये परचेस कर लेना, अगर नहीं आता है तो किसी दूसरे फोन की तरफ चले जाना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे मेजर पॉइंट के बारे में जिसके कारण Realme 8i का आपको वेट करना चाहिए, वो है इस फोन का प्रोसेसर। इस फोन के अंदर आपको मिलेगा नया नवेला MediaTek Helio G96 प्रोसेसर। G96 जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, तो एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहेगी, हीटिंग का इशू आपको ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से 2.05 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, 2 A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलेंगे, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाएगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग एंड ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहां पर आपको आर्म माली G57 MC2 GPU मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, डुअल कोर GPU है, एनर्जी एफिशिएंट GPU है, एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी निकाल के देता है। हालांकि G95 के अंदर जो आपको G76 MC4 GPU मिलता था, उससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा गेमिंग का, लेकिन वो निग्लेजिबल है। अगर दोनों के स्कोर्स की बात करें तो जो G95 में आपको G76 MC4 मिलता है उसका स्कोर आता है लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास, और G57 MC2 का स्कोर आता है लगभग 99.5 पॉइंट्स के आसपास। तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलेगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगी, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको अच्छी मिलने वाली है। उसी के साथ में LPDDR4X RAM यहां पर आपको मिलेगी और UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा, तो रीड राइट स्पीड भी बढ़िया रहेगी, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो टाइम है वो भी काफी ज्यादा फास्ट रहेगा, काफी ज्यादा प्रॉम्प्ट रहेगा, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। उसी के साथ में यहां पे आपको डायनामिक रैम एक्सपांशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 5GB तक की वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलेगी। आपकी जरूरत के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1GB चाहिए, 2GB चाहिए या 5GB चाहिए। तो ये काफी अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट के फोन में आपको वर्चुअल रैम मिलती है, और वो भी डायनामिक रैम एक्सपांशन के साथ में, मतलब आपकी जरूरतों के हिसाब से अपनी स्टोरेज में से आप थोड़ा सा स्पेस निकाल करके उसको रैम की तरह यूज कर सकते हैं। सो यस, दिस इज अ गुड थिंग। पहला बहुत बड़ा रीजन है इसका प्रोसेसर, इसका परफॉर्मेंस, जिसके कारण आप Realme 8i का वेट कर सकते हो। दूसरा रीजन इस फोन का वेट करने का, वो है इसका डिस्प्ले। 6.59 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले मिलेगा, ऑलमोस्ट 6.6 इंचेस का है, तो थोड़ा सा बड़ा फोन रहेगा। वैसे Realme जो देता है 6.43 इंचेस के, पर्सनली वो डिस्प्ले साइज मेरे को थोड़े से ज्यादा पसंद आते हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग में मजा आएगा आपको भाई। 6.59 इंचेस का फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी पैनल आपको मिलेगा, जहां पर टॉप लेफ्ट में आपको पंच होल मिलेगा, कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहने वाला है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 387 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, तो डेंस डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग अगर आपको करनी है तो 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, और उसी के साथ में 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। यहां पर जो रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है वो 6 लेवल रिफ्रेश रेट Realme इसको बोलता है, मतलब 6 अलग अलग लेवल पर आपका जो डिस्प्ले है वो रिफ्रेश रेट के साथ में काम करता है। कैसे अलग अलग डिस्प्ले काम करता है, तो भाई अगर आपने स्टैटिक फोन को रख रखा है तो 30 हर्ट्ज पे काम करता है, अगर आप मूवी मोड में रहते हैं तो 48 हर्ट्ज पर डिस्प्ले काम करेगा, अगर आप टीवी प्ले करते हैं
तो 50 हर्ट्ज पर डिस्प्ले काम करेगा, अगर आप गेम्स खेलते हैं तो 60 एंड 90 हर्ट्ज पर डिस्प्ले को चला सकते हैं, एंड अगर आप इंफॉर्मेशन स्ट्रीम करते हैं तो 90 से लेकर के 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट पर आपका फोन काम करता है। तो रियलमी बोल रहा है 6 लेवल, यहां पर रियलमी ने बताए हैं 5 लेवल्स, लेकिन यस यहां पर एक्चुअली मैं आपको एडाप्टिव सिंक वाला जो रेडमी के फोन्स में मिलता है कुछ उस तरीके का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी बचाता है, अल्टीमेटली बैटरी बचाता है, उसका और कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो बैटरी कंजप्शन रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी के साथ में यहां पर जो ब्राइटनेस आपको मिलती है 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, एंड लोएस्ट ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलती है 1 निट्स की, नाइट मोड में 1 निट की ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलती है, काफी अच्छी बात है भाई। डिस्प्ले इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, हालांकि एमोलेड नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आईपीएस पैनल यहां पर आपको मिलने वाला है। तो डिस्प्ले भी एक रीजन है भाई, अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो इस डिस्प्ले पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, एंड डिस्प्ले के कारण भी आप रियलमी 8i का वेट कर सकते हो। थर्ड रीजन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इस फोन का वेट करने का थर्ड रीजन है इसका बैटरी लाइफ। 5000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, बैटरी का साइज काफी अच्छा है, डिसेंट साइज की बैटरी है, वो 7000 mAh के बैटरी रियलमी देता नहीं है भाई। 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी जो कि डिसेंट साइज की बैटरी है, बैकअप आपको अच्छा दे जाएगी। उसी को चार्ज करने के लिए 30 वॉट की डार्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, एंड 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल सकता है, ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है चार्ज भी फास्ट हो जाएगी बैटरी, एंड उसी के साथ में यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, बैटरी ओरिएंटेड फोन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो रियलमी 8i का आप वेट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इस फोन का वेट करने का, मेरे हिसाब से डिसेंट कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलने वाला है, और अगर आपको डिसेंट कैमरे वाला फोन लेना है भाई तो भी आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। यहां पर आपको 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का, 50 मेगापिक्सल्स का, अब सेंसर कौन सा आता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 2-2 मेगापिक्सल्स के दो छोटू यहां पर आपको मिलेंगे, एक मैक्रो कैमरा रहेगा, एक डेप्थ सेंसर रहेगा, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है वो अच्छा दिया गया है। उसके साथ में खासियत यह है कि यहां पर आपको एटलीस्ट EIS का सपोर्ट तो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। Redmi 10 Prime में भी 50 मेगापिक्सल्स आपको मिलता है, लेकिन वहां पर जो वीडियोस है वो काफी शेकी बनते हैं, कोई स्टेबलाइजेशन वहां पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा EIS के साथ में। और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहां पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा 30 FPS पर, एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा, एंड 16 मेगापिक्सल्स के सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर, जहां पर भी आपको EIS का ऑप्शन मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर कैमरा मॉड्यूल की बात करें, हालांकि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहां पर आपको नहीं मिलता है, 2-2 मेगापिक्सल्स के दो छोटू दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से डिसेंट कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से इस फोन के डिसेंट लुक्स हैं। जब से रियलमी ने डेयर टू लीव का नारा छापना बंद किया है तब से फोन्स गुड लुकिंग हो गए हैं। बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है, प्लास्टिक जो रहता है वो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक रहता है, एंड ओवरऑल दिखने में फोन अच्छे लगते हैं। तो लुक्स भी यहाँ पर आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं। टॉप लेफ्ट में पंचोल के साथ में आपको फोन मिलेगा, 2-3 अलग अलग कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बढ़िया लुक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। गुड लुकिंग फोन अगर आपको लेना है तो भी आप रियलमी 8i का वेट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अग्रेसिव प्राइस पॉइंट। सुनने में आ रहा है कि ये वाला जो फोन है कहीं ना कहीं 14,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है। यस, 14,000 के आसपास। अब वेरिएंट कौन सा रहेगा 14,000 में, 4+128 रहेगा या 6+64 रहेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट पर और जो रियलमी की वेबसाइट है वहां पर जो लैंडिंग पेज आया है वहां पर 11GB की रैम बताई जा रही है, मतलब 6GB प्लस 5GB आपको DRE डायनामिक रैम एक्सपांशन मिलता है। तो प्रॉबेबली 6GB प्लस 64GB बेस वेरिएंट रह सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4GB वाले वेरिएंट के साथ में शायद आपको 5GB की डायनेमिक रैम एक्सपांशन ना मिले, वहां पर 3GB के आसपास का मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो बेस वेरिएंट है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 14,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो प्राइस पॉइंट भी काफी अच्छा रहने वाला है जहां तक अभी खबरें निकल के आ रही है, और एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के कारण भी आप इस फोन का वेट कर सकते हो। तो भाई ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको देखते हुए आप रियलमी 8i का वेट कर सकते हो। पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए, देखते हैं भाई किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाता है, एंड अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाता है तो परचेस करके चैनल पर रिव्यू करने की डेफिनेटली अपन कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।